नमस्कार दोस्तों। दोस्तों काफ़ी किसानों के सवाल रहते हैं कि हम समरसेबल खरीदना चाहते हैं, कई कंपनियां वारंटी देती हैं कई नहीं देती, तो क्या वारंटी कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए या नहीं है ये बताइए। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी आपको इस बात को अगर समझ गए वारंटी को आप, कि वारंटी किस चीज़ की देती है समरसेबल जो कंपनियाँ हैं मोटर्स के, तो उस चीज़ को अगर आप समझ गए तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है इस चीज़ का। मैं आपको सारा ए टू जेड डिटेल बताऊंगा। कुछ कंपनियां देती है वारंटी, कुछ नहीं देती। जो कंपनियां ए टू जेड जितनी कंपनियां वारंटी देती है वो किस चीज़ की देती है? मोटर के जलने की। समरसेबल मोटर के भी अगर 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर जल गई, कुछ कंपनियां 1 साल की देती है, कुछ साल कंपनियां 2 साल की देती है। तो अगर वो कहती हैं अगर 1 साल के अंदर जल गई या 2 साल के अंदर जल गई हमारी मोटर, तो हम बांध कर मतलब रिपेयर करके दे देंगे। पर दोस्तों आपको एक बात बताता हूँ, कभी भी समरसेबल मोटर 1 से 2 साल के अंदर कभी नहीं चलती। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, कोई भी अगर 15 HP की मोटर है, 15 HP की समरसिबल है, वो लोड लेगी 22 का 23 का या 24 25 का, हाईएस्ट 25 का लोड लेती है। अगर उस समरसिबल मोटर को किसी भी प्रॉब्लम की वजह, अगर वो 40 का भी लोड ले रही है, 40 का लोड बहुत ज़्यादा होता है 15 HP की मोटर के लिए, अगर वो 15 HP की मोटर 40 का भी लोड लेगी तो भी वो नहीं जलेगी। अगर न्यू है 2 साल चला लो, 3 साल चला लो, 40 पे भी नहीं जलेगी। रीज़न क्या होता है कि समरसिबल मोटर की वाइंडिंग ही वाटरप्रूफ होती है, वो पानी के अंदर चल रही होती है, कितना भी अगर हीटिंग करने की भी कोशिश करें तो भी वो जलती नहीं जलती। वो जो वाइंडिंग काफ़ी ज़्यादा हैवी यूज के बाद ही जलती है, उसके बाद उस पर लोड बढ़ता है तब जलती है। अब मैं आपको बताता हूँ अगर उसमें गर्म गर्म कैसे होगी, क्योंकि समरसिबल मोटर पानी में डूबी रहती है, अगर पानी उठाती है तो उसके पास से नया पानी आता रहता है और पुराना पानी उठता रहता है हाथों हाथ, उस वजह से कूलिंग होती रहती है मोटर की, तो मोटर जलती नहीं। किन किन चीज़ों की वारंटी नहीं होती? अगर आप उसके पंप की कोई वारंटी नहीं है, पंप के एम्पेलियर अगर कोई भी ख़राब हो गए या एम्पेलियर में कोई प्रॉब्लम आ गई, एम्पेलियर कुछ भी हो गया तो उसकी वारंटी नहीं होती। बैरिंग टूट गया, बैरिंग की कोई वारंटी नहीं होती। कोई वायर वायर की अगर उसमें है तो उसकी कोई वारंटी नहीं। तो दोस्तों जिन चीज़ों की अगर वारंटी नहीं होती, जैसे कि आप मान लीजिए आप नई मोटर खरीद कर कैप्टी उठवाते हैं, अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम बैरिंग टूट जाता है झटका मारकर, या मिट्टी उठवा लेते हैं उस वजह से जो एम्पेलियर है वो घस जाते हैं, एम्पेलियर मिट्टी के क्रॉसिंग की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो भी रिप्लेस नहीं करती सिर्फ मोटर समरसेबल जलने पर। अब फर्क कहाँ आता है, कुछ कंपनियां जैसे कि एक मात्र मैं कंपनी मैं बताता हूँ जो एक बेस्ट कंपनी है, कलसी कंपनी, वो कोई वारंटी नहीं देती। अगर वो वारंटी नहीं देती उस वजह से उसकी कंपनी के रेट के जो कंपनी के रेट हैं मोटर की, कंपनी 15 HP की जो अदर कंपनी के मुकाबले रेट काफ़ी ज़्यादा डाउन है और क्वालिटी बहुत ही बड़ी है। उस वजह से क्या है, वो कंपनी कहती है कि एक बार चलाने फर्स्ट टाइम चलने की वारंटी है, उसके बाद कोई वारंटी नहीं। तो ये सही है, फर्स्ट टाइम एक बार चल गई तो उसके बाद मोटर में पहली बार कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, मोटर नहीं जलेगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए तार थोड़ी खुली रह गई तो ब्लास्ट हो गया, जैसे मतलब फटाका सा बोल जाता है, अगर वायर खुली रहती है वहाँ से अगर जलकर थोड़ा सा ब्लास्ट की छोटी आवाज़ आएगी और वायर टूट जाएगी, तो उसमें क्या मोटर फिर भी नहीं जलेगी, मोटर फिर भी नहीं जलेगी, मोटर के वो तार टूट जाएंगे, फिर वापस तार बांधने पड़ेंगे। अगर मोटर हैवी लोड भी बढ़ाती है तो मोटर लोड बढ़ाएगी या तो स्टार्टर ऑफ कर देगा, स्टार्टर के अंदर भी होता है सिस्टम, और दूसरा अपने ट्रांसफार्मर के अंदर भी MCB लगी होती है तो वो भी ट्रिप हो जाएगी। मतलब मोटर जलने के चांस ना के बराबर होते हैं न्यू मोटर के 1 से 2 साल के। तो वारंटी का अगर देखा जाए तो कोई टेंशन ही नहीं लेने की, ये चीज़ मेन है कि अगर एम्पेलियर की अगर वो ले वारंटी का, अगर मोटर कंपनी मोटर लोड बढ़ा दे तो मोटर लोड बढ़ाने का वो कोई वारंटी नहीं लेती। वो कहेंगी पता क्या, हमारे साथ भी एक केस हुआ था जिसमें क्या है, मोटर लोड बढ़ा दिया, मोटर के थोड़ी मिट्टी क्रॉसिंग हुई, उस वजह से एम्पेलियर में प्रॉब्लम आ गई, बैरिंग टूटा, और उस वजह से क्या है वारंटी के लिए कॉल किया, वरुणा की मोटर थी, कस्टमर केयर वाला बंदा आया जो सर्विस देने वाला बंदा है, वो कह रहा है भाई मोटर नहीं चली, मोटर सही है, बाकी और किसी चीज़ की वारंटी नहीं है। तो भैया फिर वारंटी ले किस चीज़ के रहे हैं आप, कह रहे हैं हमारी कंपनी 2 साल वारंटी दे, सिर्फ मोटर जलने की, मोटर जलती नहीं है, वाटर प्रूफ वाइंडिंग होती है। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिए कि उधर किसी चीज़ की वाइंडिंग नहीं है, सिर्फ मोटर जलने की होती है, और मोटर जलती ही नहीं है 1 से 2 साल के अंदर कभी नहीं जलती, क्योंकि समरसेबल मोटर 10 साल प्लस आराम से निकाल जाती है। ओके, आशा करता हूँ वीडियो ठीक लगी, और वीडियो में अगर कोई और सवाल हो आपका मैंने नहीं बताया वारंटी के संबंध में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।